नमस्कार, सुप्रभात। आपके सामने कुछ कटिंग्स रखी हुई हैं और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों के बहुत सारे दोस्त कटिंग से पौधा ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में ये पता नहीं होता है कि कौन सी कटिंग किस समय लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे बरसात के मौसम में कौन सी कटिंग्स आप लगा सकते हैं, यानी कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनकी इस मौसम में कटिंग से ग्रो होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना और कम से कम एक बार शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि बरसात के मौसम में मैंने कुछ कटिंग्स यहाँ ली हुई हैं और मैंने उन्हें नंबर दिए हुए हैं 1 से लेकर 5 तक। पहले नंबर पर जो मैं कटिंग आपके साथ शेयर करूँगा उसकी इस मौसम में लगने की यानी अंकुरित होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो पहली कटिंग्स मैंने ली हुई है गुलहड़ हिबिस्कस। बड़ा ही प्यारा पौधा होता है, बहुत सारे कलर, बहुत सारे शेड में अवेलेबल है। इसकी कटिंग इस मौसम में, बरसात के मौसम में बड़ी आसानी से लगाई जा सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा केवल देसी गुलहड़ को कटिंग से ग्रो करने की कोशिश कीजिए। हाइब्रिड ग्रो हो जाता है लेकिन फ्लावर्स नहीं आते, या फ्लावर्स आएंगे तो काफ़ी छोटे आएंगे। पतली कटिंग्स नहीं ले लिए, थोड़ी सी मोटी थिक कटिंग लीजिएगा जिससे वह आसानी से ग्रो हो सके। गुलहड़ को इस समय लगाने के लिए आप पॉलीथीन का प्रयोग कर सकते हैं या गमले का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी कटिंग्स है चांदनी जैस्मिन। ये भी बड़ा सुंदर पौधा होता है और इसकी कटिंग बड़ी हार्ड होती है, यानी कि एक बार ये लग जाए तो फिर बड़ी आसानी से सर्वाइव कर जाती है। थोड़ी मोटी ब्रांचेस लेनी है और कटिंग की लंबाई ज़्यादा मत लीजिएगा, वही 4 इंच 3 इंच कटिंग की लंबाई लेनी है आपको और लगा दीजिए। सॉइल की बात करें तो 80-20 का रेशियो रखिएगा, 80% सॉइल और 20% गोबर या कंपोस्ट खाद, कुछ फंगीसाइड या दीमक रोधी दवा आप मिला सकते हैं। तीसरी जो मैंने कटिंग्स ली हुई है वो है गुलदाउदी, और इस समय इसका मौसम चल ही रहा है आपको पता है, और इसे कटिंग से ग्रो करना बहुत ही सरल है। छोटी छोटी कटिंग्स बनाइए 1-1, 2-2 इंच की और कहीं भी लगा दीजिए, बेझिझक लगाइएगा, बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाती है। बहुत सारे कलर में है और इसका तो मौसम है, बिल्कुल इसे ज़रूर लगाइएगा आप। मेरा अगला नंबर है कनेर का। जी हाँ, इससे तो आप परिचित ही होंगे। कनेर जो देसी होता है पीला और गुलाबी कलर का, ये कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, और इसकी भी वही कटिंग थोड़ी मोटी लेनी है, छोटी लेनी है और कहीं भी लगा दीजिए भाई, पॉलीथीन है, ग्राउंड है या प्लास्टिक कप है, उनमें भी बड़ी आसानी से ये सर्वाइव कर जाएगी। तो आखिरी नंबर पे जो मैंने कटिंग्स ली है उसे लोग सबसे ज़्यादा इस समय लगाते हैं, गुलाब। मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत में गुलाब उगाने का सही मौसम जो है वो सर्दियां हैं, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, फरवरी में भी आप लगा सकते हैं। इस समय फिर भी अगर आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर इस समय ग्रो होगा तो उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, या फिर बहुत जल्दी रूट सड़ जाएंगी या डाईबैक होगा, पत्तियाँ पीली पड़ेंगी, लेकिन फिर भी आप इसे लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिए इसे जहाँ भी लगाएँ पानी निकलने की सही व्यवस्था रखें। अगर जो आपने पौधे लगाए हैं वहाँ पर पानी भरेगा तो फिर आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सामने मैंने सभी कटिंग्स ले ली हैं, अब मैं आपके साथ कुछ केयर टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा मजबूत, हेल्दी और नई ब्रांचेस आपको कटिंग के लिए यूज़ करनी है। इतनी नई भी ना हो, 1 वर्ष पुरानी कटिंग्स ले सकते हैं ब्रांचेस। 1 वर्ष पुरानी जो ब्रांच होती है पौधों की, उसमें रूट डेवलप होने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसके अलावा ब्रांचेस बहुत जल्दी उनमें से निकलती हैं। कटिंग्स आपने ले ली हैं, उसके बाद सॉइल, सॉइल हमेशा ड्रेनी बनाइए, ज़्यादा पानी उसमें टिके नहीं। हाँ, कटिंग्स हमेशा 45 डिग्री पे कीजिए जिससे जो ब्रांच का भाग है वो हमारे मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा रहेगा, और उस स्थिति में वहाँ से रूट जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, पौधा जो है बहुत जल्दी जड़ें बनाएगा और कटिंग बड़ी आसानी से ग्रो हो जाएगी। इसके अलावा कुछ फंगीसाइड पाउडर ज़रूर डालिएगा। देखिए, जैसे साफ है, बॉविस्टिन है, दालचीनी है, हल्दी पाउडर है, या फिर ये सब नहीं हो आपके पास तो नीम खली, नीम की खाद हर पौधे के पास थोड़ी थोड़ी
जड़ों में रखिएगा, जिससे उसमें दीमक ना लगे और जो पत्तियां खाने वाले या लकड़ी खाने वाले कीड़े हैं वो आपकी कटिंग से दूर रहें। तो ये कुछ सामान्य जानकारियां मैंने आपको देने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बड़ा ही लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इन्हीं सपनों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।